गोरखपुर जिला पंचायत सभागार में सोमवार को विषयक एकल संभाषण कार्यक्रम का आयोजन बुद्धा कराटे एसोसिएशन गोरखपुर द्वारा किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय बौद्ध संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते संघ प्रिय राहुल जी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कहा कि हमारे महापुरुष, हमारे मार्गदर्शक बनते संघ प्रधान जी का प्रथम आगमन गोरखपुर, इतनी महान आत्मा आज हमारे बीच में मौजूद है। इस दौरान पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कहा कि समाज के दबे कुचले की आवाज को मजबूत करने के लिए बनते जी भ्रमण कर रहे हैं और समाज के सभी की आवाज भाजपा के मुख तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय बौद्ध संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते संघ प्रिय राहुल जी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस और भाजपा समाज के दबे कुचले लोगों के हित के लिए काम कर रही है। इस मौके पर भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते संघ प्रिय राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य हरिनाथ भाई एवं बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुरनी से बात करते हुए भारतीय बौद्ध संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते संघ प्रिय राहुल और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कहा, आज हम लोगों के बीच में औचक कल का कल जो जानकारी मिली, हम लोगों ने ये आनंद फानंद में आज सुबह ही रेलवे स्टेशन पर जाकर के स्वागत किया। आपका कार्यक्रम कहीं और का था, लेकिन हम लोगों ने आज जबरदस्ती अपने आदर भाव सम्मान में आपके हम सब मिल करके आपको वहाँ एक दिन आज रोकने के लिए प्रस्ताव रखा। आदरणीय बनते जी तुरंत उसको स्वीकार करके उन्होंने अपना सहमति दे करके हम लोगों को जो है आज कुछ मार्गदर्शन देने के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं। हम लोग बहुत ही गौरवान्वित आज माननीय बनते जी का बहुत आदर सम्मान करते हैं। आज जो संघ के स्वयं सेवक संघ के जो प्रमुख हैं, परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी करते हैं और साहब का सम्मान जो है हम लोगों ने देखा है। हम लोग जानते हैं तथागत बुद्ध जी, शिक्षा के बुजुर्ग महात्मा ज्योतिबा फुले जी, क्रांति के नायक देवी स्वामी बरिया जी, गुरु नारायणा जी, संतों के संत रविदास जी, संत कबीर जी, संत वाल्मीकि जी, संत दुर्बलनाथ जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, एकलव्य जी, ऋषा मुंडा जी, करोड़ों करोड़ों दलित गरीब मजलूमों के रहनुमा, भारत के भाग्य विधाता, नारी के जीवन दाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मेरे साथियों का नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस प्रोग्राम के आयोजक पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, मुझे तो कुशीनगर जाना था लेकिन दिल्ली में हमारे दोनों नेता कैप्टन साहब और रविनाथ भाई उपस्थित थे। 10 जुलाई को हमारी संस्था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का आयोजन किया था, जिसे हरिनाथ भाई को सम्मानित किया गया उस पुरस्कार में। तो मैंने जाहिर किया कि मुझे कुशीनगर 29 और 30 तारीख को रहना है। तो मंत्री जी ने कहा कि जब आप कुशीनगर आ ही रहे हैं तो गोरखपुर में मैं अपने कुछ साथियों से, जिम्मेदार साथियों से मिलाना चाहता हूं। ये धरती काफी गिरों की है, पिछड़ों की है, कृषक की है और गरीब वंचित लोगों की है। ऐसी धरती पर अगर मुझे इतना सम्मान मिला है, उत्तर प्रदेश में भी कर रहा है, लेकिन हमारी संस्था का मेन मकसद है
सामाजिक समरसता। मैं सामाजिक समरसता पर कार्य कर रहा हूं, इसलिए सामाजिक समरसता पर मैं कार्य कर रहा हूं कि मेरा मकसद है कि जो व्यक्ति, जो समाज पिछले पंक्ति में बैठा है, उस समाज को कैसे अगले पंक्ति में लाया जाए, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने बड़ी मेहनत किया है और इस देश के लिए बहुत कुछ दिया है। एक बार 2008 में मैं नागपुर एक कार्यक्रम में गया और कार्यक्रम में उस समय आरएसएस के संचालक हुआ करते थे माननीय सुदर्शन जी। तो मैंने माननीय सुदर्शन जी से एक प्रश्न पूछा और उनसे कहा मैंने कि मानवर जिस समाज की मैं वकालत करता हूं, जिस समाज की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, उस समाज को हजारों साल से हर चीज से वंचित किया है। आजादी के 60 साल बीत गए और 60 साल बीत जाने के बावजूद भी आज उस समाज को घृणा नजरों से देखा जा रहा है। जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पीते हैं, उस तालाब में भी दलित पिंजरों को पानी नहीं पीने दिया जाता है। मेरा आपसे एक पेटी प्रश्न है, इतना जुल्म सहने के बाद भी मुझे एक भी दलित पिछड़ा वर्ग बताइए कि देशद्रोही निकला हो, क्योंकि दलित पिछड़ा वर्ग इस देश से प्यार करता है, इस देश के लिए मरता है। और अगर भारत माँ के तरफ कोई आम उठाने की कोशिश करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देता है, क्योंकि ये समाज वो समाज है जिस समाज के ने अपने अंगूठे को भी कटवाया, अपना वीरता का परिचय देते हुए अपने गुरुओं को कहा कि मेरी वीरता और मेरी वीरता की जो आपको मेरी वीरता पर कहीं प्रचिन्ह लगता है, अगर मेरे वीरता पे कहीं आपको शक है तो एक लफ्ज आपको आज गुरु दक्षिणा में अपने इस अंगूठे को भी दे रहा है जो आपने मांगा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीर हो जाते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े धनवान या उच्च पदों पे चले जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमारी कुर्सी ना टूटे या हमारी कुर्सी ना छूटे या जो मुझे मिला हो टूटना नहीं चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन साथियों, एकलव्य ने द्रोणाचार्य ने जब उसे अपना गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा तो उन्होंने हंसते हुए अपने अंगूठे को दिया, हम उस देश के वासी हैं, हम उनके संतान हैं, अगर हमारे भारत के तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा है। भगवान बुद्ध की पूरी जीवन सिद्धार्थ गौतम ने 18 साल के उम्र से लेकर के और 29 साल उम्र तक सामाजिक समरसता के लिए देश को छोड़ा। वो चाहते थे कि इस देश में सामाजिक समरसता बने, लड़ाई ना हो, करुणा और मैत्री का जो उनका विचार था उस विचार को लेकर के वो पूरे दुनिया को एक रोशनी दिया। देखिए, आज गोरखपुर में एक ये सामाजिक समरसता और ये महापुरुषों का जो एकलव्य ये मीटिंग बुलाया गया था और ये कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम का मेक्स मकसद है कि सामाजिक समरसता पूरे देश में कायम करने के लिए, प्रदेश में कायम करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारा मकसद है, हमारे संस्था का मकसद है कि जो व्यक्ति पिछले पंक्ति में बैठा है उस व्यक्ति को आगे पंक्ति में कैसा लाया जाए, ऐसी एक सोच हम लोग पैदा कर रहे हैं।
आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की भी सोच यही है। आरएसएस चाहती है कि गरीब लोगों को आगे बढ़ाया जाए और जो लोग काफ़ी सदियों से वंचित हैं उन लोगों को आगे लाया जाए। तो मैं ये चाहूँगा आप लोगों के टीवी के माध्यम से कि जो लोग देश में एक भ्रम फैला रहे हैं, प्रदेश में भ्रम फैला रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी ये कट्टर अति पिछड़ों दलितों के दुश्मन हैं और ये उनकी भला नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके टीवी के माध्यम से बताता हूँ कि जो लोग आरएसएस में हैं और जो लोग आरएसएस ज्वाइन कर रहे हैं और जो लोग आरएसएस को जानना चाहते हैं वो आरएसएस और बीजेपी के में आकर देखें। जितना सम्मान दलितों को, जितना सम्मान पिछड़ों को इस आरएसएस और बीजेपी में मिल रहा है शायद वो कहीं भी नहीं मिला है, क्योंकि हमारे महापुरुषों चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हों, एकलव्य हों या और भी पैरियर हैं, गुरु नारायणा हैं और तमाम जो हमारे महापुरुष हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जिनका सोच रहा कि गरीबों को सामाजिक समरसता के माध्यम से ले जाना, ऐसा एक सोच हमारे लोगों का भी है। हमारी ये संस्था भारतीय बौद्ध संघ पूरे देश में कर रहा है और हम लोग 6 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में एक रथ के माध्यम से भी जागृत करेंगे सामाजिक समरसता के माध्यम से कि दलित समाज, अति पिछड़े और पिछड़े और समान समाज सभी एक साथ हैं, जो भारत माता के साथ हैं। भारत माता हमारी माता है और भारत माता की रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम लोग आगे निकले। मायावती अपने आप को, मायावती जी अगर दलितों के रहनुमा होती तो दलित जब मर जाता है उनके साथी चाहे हो, चाहे उनका विधायक हो, उनका सांसद हो, तो वो वहाँ भी जाना पसंद नहीं करती हैं। अगर किसी दलित की हत्या हो जाती है तो मायावती जी वहाँ भी जाना पसंद नहीं करती हैं, तो वो दलितों के रहनुमा नहीं हैं। अब आपको मालूम होगा कि 2014 और 2019 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें बड़े पैमाने पर दलित भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव किया है। पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट थी तो भारतीय जनता पार्टी के 67 मेंबर आप पार्लियामेंट दलित समाज के चुन के आए थे, लेकिन आज 103 मेंबर आप पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के दलित समाज के चुन करके आए हैं। तो मायावती जी तो मात्र 2 उत्तर प्रदेश में दलितों की सीट जीत के आई हैं, बाकी तो वो किस तरह से जीती हैं, क्योंकि अखिलेश जी अगर उनका सहयोग नहीं किए होते, अति पिछड़ों ने सहयोग नहीं किया होता तो शायद वो नहीं जीत के आती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दलितों का पूरा मोह मायावती जी से ख़त्म हो चुका है। कुछ है इस देश में, मैंने पहले बोला है कि इस देश में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो देश को खाते ज़रूर हैं लेकिन गाते पाकिस्तान को हैं। आजम खान जैसे एक बदतमीज मैं कहूँगा कि ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको सपा के लोग पता नहीं क्यों अखिलेश जी इतना बड़ा नेता उनको मानते हैं। मैं तो उनको कहूँगा कि आजम खान जी जिस प्रदेश जिस ज़िले में रहते हैं रामनगर, उनसे दूरी है आगरा, उनको पागल खाने में डाल देना चाहिए, क्योंकि इस देश में जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक महिलाओं के लिए सोच अच्छा बना रहे हैं और 3 तलाक जो मुसलमानों ने औरतों को एक अखबार समझा था, एक अपनी पैर की जूती समझा था, और प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सम्मान देने के लिए पार्लियामेंट में 3 तलाक बिल को पास कराया, ऐसे महिलाओं के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को पागलखाने में या जेल में होना चाहिए। आदरणीय भंते जी, पूरे देश में समरसता और समानता समता मूलक की स्थापना और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके साथ कार्य कर रहे हैं। जैसे ही हम लोगों को पता चला या आप कुशीनगर आने वाले हैं, हम लोगों ने ये देखा कि आप एक पूरे देश में दबे कुचले सताए लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोगों ने भी कहा, यहाँ के सभी लोगों का मन हुआ, आदरणीय भंते जी, संघ प्रिय भंते जी जो हम लोगों के बीच में कुशीनगर जा रहे हैं, हम लोग उनका एक दिन समय ले लिया जाए, लेकर के उनके विचारों को सुना जाए और उनके माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाए। इसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने आदरणीय भंते जी का लिया था।